हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग ग्रुप 1200 फ़ोन में शॉर्टिंग प्रॉब्लम का। यदि आपका हाफ शॉर्टिंग है, फुल शॉर्टिंग है दोस्तों, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप उसको रिमूव करोगे दोस्तों। तो चलिए, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए दोस्तों। आपका यदि फ़ोन शॉर्ट हो गया है, यदि आपका फुल शॉर्टिंग हो गया है या हाफ शॉर्टिंग हो गया है दोस्तों, तो मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि आप कैसे जो है आपको फुल शॉर्टिंग और हाफ शॉर्टिंग को रिमूव करना है दोस्तों, आपको कैसे हटाना है दोस्तों। ये सिंपल सा मतलब आपको करना है। इसे ट्रिक को करने के बाद यदि आपका जो है 100% मतलब आपका शॉर्टिंग प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, चाहे वो हाफ शॉर्टिंग हो दोस्तों या फुल शॉर्टिंग हो। यदि ऐसा करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो आपको प्लेट ही चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए, मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या करना है, क्या क्या करना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हम अपने बोर्ड को निकाल लेंगे। बोर्ड को निकालने के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे जो लाल मार्कर लगा दिया हूँ मैं, इसको सबको रिमूव कर देना है। इस कैपेसिटर को, यहाँ पे जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं दोस्तों, इन सबको रिमूव कर दीजिए। यदि आपका फुल शॉर्टिंग हाफ शॉर्टिंग इसको सबको निकालने के बाद भी नहीं मतलब हट रहा है, नहीं मतलब निकल रहा है शॉर्टिंग इसका 100%, ये इतना आप कैपेसिटर को रिमूव करोगे तो आपका जो है 100% शॉर्टिंग प्रॉब्लम दूर हो जाएगा दोस्तों। और फिर भी यदि नहीं दूर हो रहा है तो आप एक बार दोस्तों यहाँ पे जो ये चार्जिंग कनेक्टर लगा हुआ है, चार्जिंग पिन लगा हुआ है, इसको भी आप रिमूव करके देख लेना दोस्तों। आपका जो है 100% यदि आपका फुल शॉर्टिंग है या हाफ शॉर्टिंग है तो आपका रिमूव हो जाएगा, आपका शॉर्टिंग निकल जाएगा और आपकी बैटरी जो है चलने लगेगी दोस्तों। और आपका फ़ोन यदि फुल शॉर्ट से डेड भी है तो आप जो है यहाँ पर जब कैपेसिटर को निकालोगे दोस्तों, तो आपका जो है फ़ोन ऑन भी हो जाएगा दोस्तों। तो लास्ट में आप जो है चार्जिंग पिन को भी रिमूव करके ज़रूर देख लेना, इसमें भी कभी कभी शॉर्टिंग रहता है दोस्तों।